गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर क्लास रिलेटेड टू इंग्लिश रीडर, ओके। एंड चैप्टर नंबर फिफ्थ, सेव वाटर, जल बचाओ। व्हाट्स नेम चैप्टर? सेव वाटर, जल बचाओ, यानी पानी को बचाना है। इसी के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, यानी पानी को कैसे बचाना है, ओके। यस, तो इस चैप्टर को हमने पहले भी पढ़ा था और आज भी अपन इसी चैप्टर को पढ़ेंगे, यानी अपने ये चैप्टर यहां तक पढ़ लिया था। आस्क मिसेस सिन्हा। अब एवरीवन से आज अपन स्टार्ट करेंगे, ओके। यू आर रेडी? यस, तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बुक ओपन कर दीजिए और पेज नंबर, यानी पेज नंबर 27 खोलिए, ओके। यस, देखिए, ध्यान से सुनना है और अच्छी तरह से समझना है इस चैप्टर में कैसे पढ़ना है, यानी इस चैप्टर में जो सेव वाटर है वो अपन को भी इसी बात को फॉलो करना है, यानी अपन भी पानी को कैसे बचाते हैं। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। एवरीवन रिसाइड देयर हैंड्स एक्सेप्ट राधा। राधा को छोड़कर सभी के हाथ खड़े कर दिए, यानी राधा को छोड़कर सभी ने हाथ ऊपर किए। क्यों किए थे? क्योंकि टीचर ने बोला था कि कौन कौन बताएगा अपनी वैकेशंस के बारे में, यानी कौन कहाँ घुमा, कैसे घुमा, इसके बारे में आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करने हैं। तो राधा ने हैंड ऊपर हैंड अप नहीं किया। तो फिर आगे क्या होता है? शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक अबाउट हर वैकेशंस। वह अपने छुट्टी के बारे में बात करने के लिए इच्छुक नहीं थी, यानी राधा अपनी छुट्टी की बात शेयर करना नहीं चाहती थी, बट टीचर कहती थी कि ये बात आपको शेयर करनी चाहिए। फिर आगे क्या होता है? हर टीचर नोटिस्ड हर एंड आस्क्ड हर टू शेयर हर एक्सपीरियंस। उसके शिक्षक ने उसे देखा और उसे अपना अनुभव साझा करने के लिए कहा, यानी ऑल स्टूडेंट्स के हैंड अप थे और राधा का हैंड डाउन था। तो शिक्षक ने उसे देखा, टीचर्स ने उसको देखा और बोला कि आपको एक्सपीरियंस साझा करना पड़ेगा। फिर देखिए, राधा कहती है, मैम इट वॉज नॉट गुड एक्सपीरियंस। मैम, यह अच्छा अनुभव नहीं था, यानी मेरे जो वैकेशंस में छुट्टियां गई ये मेरे लिए अच्छी नहीं थी। आई वेंट टू विजिट माई अंकल इन राजस्थान। मैं राजस्थान में अपने चाचा से मिलने गई थी, यानी राधा कहती है कि मैं वैकेशंस में राजस्थान गई थी अपने अंकल के पास। फिर हिज विलेज इज इन ए रिमोट एरिया ऑफ राजस्थान। उनका घाव राजस्थान के एक सुदूर इलाके में है। सुदूर इलाका मतलब वहाँ कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, यानी वह राजस्थान का ऐसा ही गांव है। फिर आगे देखिए, देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर इन विलेज। गांव में पानी की भारी कमी है, यानी गांव में पानी की बहुत बड़ी समस्या है और बिल्कुल कम पानी है। फिर आगे क्या होता है? एलमोस्ट ऑल द वेल्स हैव ड्राइड अप। लगभग सभी कुएं सूख गए हैं, यानी राधा अपने टीचर्स के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करती है और कहती है कि उस गांव में सभी कुएं हैं वो सूख गए हैं। फिर पीपल हैव टू वॉक मोर देन 5 किलोमीटर्स टू फेच वाटर। लोगों को पानी लाने के लिए 5 किलोमीटर से अधिक पैदल चलना पड़ता है, यानी लोग पानी लाने के लिए 5-5 किलोमीटर पैदल चलकर पानी लाते हैं, यानी इतना रिमोट एरिया है कि लोग 5 किलोमीटर से भी ज़्यादा चलकर
पानी लाते हैं। यानी यह बात अपने टीचर्स को शेयर कर रही है कौन? राधा। फिर देखिए, लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट इन द विलेज। इस गांव में जीवन बहुत कठिन है, यानी इस गांव का जीवन है वो क्या है? डिफिकल्ट है। फिर देखिए, द पीपल ऑफ द विलेज वेट फॉर द रेन। गांव के लोग बारिश का इंतजार करते हैं, यानी पूरे गांव के लोग बारिश का इंतजार करते हैं। फिर देखिए, द रेन इज द ओनली सोर्स ऑफ रिचार्ज देयर वेल्स। बारिश ही उनके कुओं को रिचार्ज करने का एकमात्र स्रोत है। यानी बारिश होगी तो कुओं में पानी आएगा, अन्यथा नहीं। यानी बारिश होगी तो ही इस गांव की समस्या थोड़ी है वो दूर हो सकती है। यानी एकमात्र उपाय ओनली रेन है, यानी बारिश ही है। फिर देखिए, राधा टोल्ड एवरीवन। राधा ने सभी को बताया, यह बात सभी के साथ शेयर की राधा ने, टीचर्स एंड ऑल स्टूडेंट्स के साथ। फिर क्या होता है, ऑल द स्टूडेंट वेयर लिस्टिंग टू राधा केयरफुली। सभी छात्र राधा को ध्यान से सुन रहे थे। यानी जैसी राधा बोल रही थी, ऑल स्टूडेंट्स ध्यान लगाकर सुन रहे थे कि राधा क्या क्या शेयर कर रही है। फिर देखिए, एवरीवन स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द पैलेसेस दे विजिटेड इन समर वेकेशंस एंड द वाटर अवेलेबिलिटी इन द पैलेसेस। हर कोई गर्मियों की छुट्टी में उन स्थानों पर पानी की उपलब्धता के बारे में सोचने लगा। अवेलेबिलिटी यानी क्या होता है? उपलब्धता। क्या होता है? उपलब्धता। यानी सभी स्टूडेंट इसी थिंकिंग के बारे में सोचने लगे कि जो हम जिस स्थान पर घूमने गए वहाँ की पानी की समस्या कैसी थी, इसी के बारे में सोचने लगे। यानी राधा ने बहुत बड़ी अपनी बात टीचर्स को शेयर की। फिर आगे क्या होता है ये अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लॉन्ग है इसलिए अपन शॉर्ट में समझ रहे हैं। छोटा छोटा समझेंगे तो आपको समझ में तुरंत आएगा। अपन लंबा पार्ट लेंगे और फटाफट समझेंगे तो वह थोड़ा कठिन होता है, इसलिए अपन छोटे छोटे चैप्टर को छोटा छोटा करके समझ रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा जनरली एक बार और बता देता हूँ कि इस स्कूल की टीचर्स होती हैं, वो सभी को वैकेशंस की एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कहती हैं, और राधा यह नहीं चाहती हैं कि मैं मेरे एक्सपीरियंस शेयर करूं, बट टीचर चाहती हैं कि ऑल स्टूडेंट्स को अपने एक्सपीरियंस शेयर करने चाहिए। तो सभी स्टूडेंट अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और राधा भी अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करती है और कहती है कि मैं राजस्थान में अपने अंकल के पास गई थी, उस गांव में पानी की बहुत बड़ी कमी है, कुएं सूख गए हैं, बारिश नहीं हो रही है और एकमात्र उपाय है बारिश ही होना। यानी बारिश होगी तो ही इस गांव की समस्या है वो दूर होगी। तो अपन इससे आगे क्या होता है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ओके। और रही बात आपके होमवर्क की, होमवर्क आपको मिटस्योर पेरेंट्स ऐप पर मिल जाएगा, और क्या होगा, स्पेलिंग्स होगी और उसका हिंदी अनुवाद होगा, यानी वर्ड गैलरी। जो अपने चैप्टर पढ़ाई इसमें डिफिकल्ट वर्ड कौन कौन से हैं वो आप याद होने चाहिए, ताकि आप नेक्स्ट टाइम भी अपन को समझे तो आसानी होगी, ओके। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर करें, ओके। थैंक यू, बाय बाय।